किसकी जाए, छोटे छोटे मेरे पोता पोती है, आदमी मेरा नहीं है। हाँ तो आपने ये बात हल्के में ले लो, भारी में ले लो, आप भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये मेरी आपसे बिल्कुल गुजारिश है सर, आप रिजार्ट तक पहुँच जाए, बेशक वो कोई भी है, हम नाम नहीं ले रहे हैं, कोई भी है, मेरे बच्चे को छोड़ दे बस। कलहर नगरपालिका की चेयरपर्सन रजनी राणा के खिलाफ 12 अप्रैल को पार्षद अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। अविश्वास से पहले पार्षद प्रतिनिधि संजय सिंगला को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से किडनैप कर लिया गया है। बता दें कि आपको कल्याण नगरपालिका चेयरपर्सन रजनी राणा के खिलाफ 12 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पेश करना है, जिसमें कल्याण नगरपालिका में कुल 13 पार्षद हैं। कल्याण नगरपालिका उप प्रधान पूजा दीमान के पास 9 पार्षद मौजूद हैं। इन पार्षदों ने कल्याण नगरपालिका चेयरपर्सन रजनी राणा पर विकास कार्यों में भेदभाव को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। नगरपालिका उप प्रधान पूजा दीमान के साथ 8 पार्षद पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी शहर में भ्रमण पर जा रहे थे, जो 8 अप्रैल को 2 पार्षद प्रतिनिधि शाम 8 बजे शहर में कुछ कार्य के लिए गए हुए थे। अचानक पीछे से गाड़ी में सवार 8-10 युवक आए और तीनों पर हमला बोल दिया, जिसमें से 2 पार्षद वहां से भागने में कामयाब हुए। मौके पर पार्षद प्रतिनिधि संजय सिंगला को दबोच लिया गया। जब इसकी सूचना कल्याण संजय सिंगला के परिवार को मिली तो पूरे शहर में भगदड़ मच गई। आज सुबह शहर के लोगों ने डीएसपी कार्यालय कल्याण में पहुंचकर डीएसपी सुनील कुमार से बात की। इस मामले को लेकर डीएसपी भी गंभीरता के साथ कार्य कर रहे हैं। इस बारे में संजय सिंगला की माता ने सरोज सिंगला व पार्षद नीसू सिंगला ने बताया कि मामला ये था जी, मेरा बच्चा एमसी है, एमसी मतलब उसकी वाइफ है, वो इनका क्या बोलते चेयरमैन का इनका रोल था आपस में, 5-7 बंदे घूमने जा रहे थे वहाँ पे, वहाँ गए मेरे बच्चे को, वहाँ इन्होंने किडनैप कर लिया। कहाँ का वारदात है ये? वारदात है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी की वारदात है ये। वहाँ मेरा बच्चा अकेला, दो तो भाग गए, अकेला मेरा बच्चा रह गया, और तीन था वो, कुछ उस पर मोबाइल थे भी उसके बंद कर दिए। इस टाइम वो पता नहीं कैसे है, किस हालात में है, क्या नहीं है। ये मेरी आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है, देखो कार्रवाई तो जनता करेगी, हम क्या कर सकते, लेडीज हैं, छोटे छोटे मेरे पोता पोती हैं, आदमी मेरा नहीं है। हाँ तो आपने ये बात हल्के में ले लो, भारी में ले लो, आप भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये मेरी आपसे बिल्कुल गुजारिश है सर, आप रिजार्ट तक पहुँच जाए, बेशक वो कोई भी है, हम नाम नहीं ले रहे हैं, कोई भी है, मेरे बच्चे को छोड़ दे बस। घूमने गए हुए थे, कोई बात ही नहीं थी, वहाँ से यहाँ बंदे भेज दिए, उठा लो वहाँ से, दो भाग गए, एक मेरा बच्चा काबू आ गया उनके, उसके मोबाइल बंद कर दिए, अब वो है क्या नहीं है, बेशक सेफ ही है, एक माँ का दिल 6 बातें सोचता है, वो फोन ही उठा रहा, जब बात ही नहीं कर रहा तो कहाँ है, किस हालात में है वो, पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है, हमें इन पे उम्मीद है, 1 से 100 तक हम इन पे उम्मीद लगाई बैठे हैं, जितनी जल्दी हमें रिजल्ट दे देंगे हम शाम, ठीक है, उसके बाद तो जनता जो कार्रवाई करेगी वो तो फिर जनता की, आप देखते आए हमेशा ही क्या करेगी। तो पुलिस से क्या उम्मीद करते हो? बस मेरे पति वापस आ जाए, उनकी जान को खतरा है। पुलिस से तुम यही उम्मीद करते हो? दुखी बंदा कहाँ जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, अपना भाईचारा इकट्ठा करेगा, गली मोहल्ला इकट्ठा करेगा, सो हमारे एक फोन पे सब जनता इकट्ठी हो गई है, ठीक है ना, ये तो 10वां हिस्सा नहीं है जिनको हम टिका के आए हैं, बिठा के आए, तुम बैठो अभी बैठो, बाकी हमारी 1 से 100 तक रिक्वेस्ट है, और आस भी हम रख रहे हैं कि हमारी पुकार पुलिस सुनेगी, अगर ये हमें शाम तक रिजल्ट नहीं देती है तो फिर हमारा रिजल्ट दिखेंगे। देखिए, जैसा कि आपको भी पता है कि 12 अप्रैल को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, उसके संबंध में 12 अप्रैल को चुनाव होना है नगर पालिका में, तो कुछ एमसीज वेस्ट बंगाल में गए होंगे सिलीगुड़ी में, तो उसमें से जैसा कि इनके परिवार वालों ने हमारे को बताया कि वहाँ वेस्ट बंगाल में रात को निशु सिंगला के पति का किडनैप कर लिया है किसी बंदों ने, दूसरी पार्टी वालों ने, जो इनके इनकी प्रकार इनकी तरफ से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि दूसरी पार्टी वालों ने, जो चेयरमैन है करंट में, उनके पति ने वहाँ किडनैप करवा लिया है। तो इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं, और इस संबंध में मेरी वेस्ट बंगाल में कंसर्न्ड SHO से भी बात हुई थी, उन्होंने उनके उसके संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो हमारे को जो हमसे यहाँ मदद बढ़ पाएगी, वेस्ट बंगाल पुलिस से भी हम टाई अप में हैं, संपर्क में हैं, तो हम कार्रवाई करेंगे। तो आपके कुछ पार्षदों द्वारा ये दर्शाया गया है उसको भय बना हुआ है अभी भी, तो आगे पुलिस की तरफ से क्या?
देखिए ये अब जो पंचायत आई हुई थी उसमें ये भी कह रहे थे कि जो ये 5 लेडीज हैं और यहाँ जो एमसी हैं उन्होंने 12 तारीख को भी वोट डालने हैं, तो पंचायत की तरफ से ये बात भी आई थी कि वो भी डरी हुई हैं, तो उस संबंध में हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देंगे जैसे तो सबके आधार पर कोई ऐसा कोई तथ्य निकल के आया हो कोई है। अब FIR वहाँ है, हम पूछताछ के लिए यहाँ जिन जिन के नाम दिए हैं वो पूछताछ के लिए उनको अभी बुलाएंगे और पूछताछ के आधार पर जैसी भी कार्रवाई होगी जो बात सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।